बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस प्रेजेंटेशन एंड इफेक्ट्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स। वाटर वाटर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर। इट इज एसेंशियल फॉर ऑल लाइफ प्रोसेसेस। द लिविंग सेल्स हैव अबाउट 80% वाटर। It is essential for the maintenance of turgidity of cells. It acts as solvent for the exchange of gases. All physiological processes like photosynthesis, transpiration, etc. require water. Water एक important environmental factor है। ये तमाम life processes के लिए ज़रूरी है। Living cells में तकरीबन 80% water होता है। वाटर सेल्स की टर्जिडिटी को मेंटेन करता है। वाटर गैसेस के एक्सचेंज के लिए सॉल्वेंट के तौर पर एक्ट करता है। तमाम फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जैसा कि फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन वगैरह के लिए वाटर ज़रूरी है। वाटर कवर्स अबाउट 73% ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ। इट इज़ प्रेजेंट इन पॉन्ड्स, लेक्स, स्ट्रीम्स and oceans. Only 1% water is present in freshwater bodies like rivers, lakes, etc. while 99% water is present in ocean. It falls from the atmosphere in the form of precipitation and water vapors. Water earth surface ka takriban 73% hissa cover karta hai. वाटर पॉन्ड्स, लेक्स, स्ट्रीम्स और ओशंस में पाया जाता है। सिर्फ 1% फ्रेश वाटर की सूरत में रिवर्स और लेक्स वगैरह में पाया जाता है, जबकि 99% ओशंस में पाया जाता है। वाटर एटमॉस्फेयर से प्रेसिपिटेशन और वाटर वेपर्स की सूरत में आता है। Precipitation. Precipitation includes rain, snow, hail, and dew. Precipitation occurs due to condensation of water vapors present in the air. Air or wind carries these vapors from oceans. Precipitation में rain, snow, hail और dew शामिल हैं। Precipitation air में मौजूद water vapors की condensation से होती है। एयर या विंड वाटर बॉडीज एस्पेशली ओशन से वाटर वेपर्स लेकर आती है। रेन द जियोग्राफी ऑफ रीजन एंड वेदर सिस्टम डिटरमिन्स द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। द एयर इज सैचुरेटेड विद वाटर ओवर ओशंस। इट ब्लोज ऑफ द ओशन। द एयर मूव्स अपवर्ड। देयर इज लो टेम्परेचर। द वाटर वेपर्स condense to form droplets. Thus clouds are formed. When diameter of droplets becomes 1 millimeter, then rain starts falling. Region की geography और weather system rainfall के बारे में बताता है। Oceans पर air water से saturate हो जाती है। ये हवा समंदर से ऊपर की जानब move करती है। अपवर्ड मूवमेंट से हवा उस जगह पहुंचती है जहां का टेम्परेचर लो होता है। वाटर वेपर कंडेंस होकर ड्रॉपलेट्स बना देते हैं। बादल बन जाते हैं। जब ड्रॉपलेट्स का साइज 1 मिलीमीटर तक पहुंच जाता है, तब बारिश के कतरे गिरना शुरू हो जाते हैं। रेनिंग अकर्स टुवर्ड्स द ओशन फेसिंग स्लोप्स। The other sides of the slopes are called rain shadow. They receive no raining, therefore they become deserts. Thus, deserts are found behind high mountain ranges or near the coastal areas. Distribution of rainfall over the year is an important limiting factor for the organisms. Ocean facing slope की जानिब बारिश होती है। ओशन फेसिंग स्लोप की दूसरी जानब
साइड्स को रेन शैडो कहा जाता है, उस तरफ बारिश नहीं होती, इस वजह से वो डेजर्ट बन जाते हैं। इसीलिए डेजर्ट हाई माउंटेन के पीछे या कोस्टल एरियाज के नज़दीक पाए जाते हैं। पूरे साल में बारिश की डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनिज्म के लिए एक इम्पॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर है। रेनफॉल इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर इन ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स। दे हैव वेल डिफाइंड वेट एंड ड्राई सीजन्स, बट रेनफॉल इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर इन द टेम्परेट रीजन्स। डिफरेंट बायोम्स आर मेनली डिफाइंड बाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल। फॉर एग्जाम्पल, इन डेजर्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल पर ईयर इज 0 to 10 inches, इन सवाना 10 to 30 inches, इन ड्राई फॉरेस्ट 30 to 50 inches, एंड इन वेट फॉरेस्ट इट इज मोर देन 50 inches। ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स में पूरे साल में बारिश की एक जैसी तकसीम नहीं होती, इनमें वेट और ड्राई सीजन पाए जाते हैं, जबकि टेम्परेट रीजन्स में बारिश की इवन डिस्ट्रीब्यूशन है। रेनफॉल की मकदार के ज़रिए से बायोम्स को एक्सप्लेन किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर डेजर्ट्स में एनुअल रेनफॉल 0 to 10 inches तक होती है, सवाना में 10 to 30 inches तक होती है, ड्राई फॉरेस्ट में 30 to 50 inches तक होती है, और वेट फॉरेस्ट में मोर देन 50 inches तक होती है। स्नो इज आल्सो अ काइंड ऑफ प्रेसिपिटेशन। स्नोफॉल मोस्टली अकर्स ऑन हाई माउंटेन्स। देयर इज अ फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑन हाई माउंटेन, देयरफॉर वाटर वेपर्स आर फ्रोजन टू फॉर्म स्नो। जनरली 10 inches ऑफ स्नो इज इक्वल टू 1 inch ऑफ रेन। स्नो डिपॉजिट्स ऑन द माउंटेन एंड फॉर्म ग्लेशियर। स्नो भी प्रेसिपिटेशन की एक किस्म है। स्नोफॉल मोस्टली हाई माउंटेन्स पर होती है। हाई माउंटेन्स पर फ्रीजिंग टेम्परेचर पाया जाता है, इसलिए वाटर वेपर्स फ्रीज होकर स्नो में चेंज हो जाते हैं। आमतौर पर 10 इंच स्नो 1 इंच बारिश के बराबर काउंट की जाती है। स्नो माउंटेन्स पर इकट्ठी होती रहती है और ग्लेशियर्स बना देती है। दीज ग्लेशियर हैव ग्रेट इम्पॉर्टेंस फॉर द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। दे एक्ट एज वाटर रिजर्व फॉर द होल ईयर। स्नो मेल्ट्स ऑन माउंटेन्स, इट्स वाटर ड्राइव्स द रिवर्स थ्रू आउट द ईयर। आवर इरीगेशन सिस्टम डिपेंड्स ऑन दीज रिवर्स। स्नो मे बी हार्मफुल फॉर द प्लांट्स, इट्स वेट ब्रेक्स ऑफ द ट्री ब्रांचेस, इट कैन किल द सैपलिंग्स। डीप स्नो काज स्टंटेड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये ग्लेशियर्स हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में बहुत अहमियत के हामिल हैं। ये पूरे साल के वाटर रिजर्व के तौर पर एक्ट करते हैं। पहाड़ों पर बर्फ पिघलती है, इससे पूरा साल दरिया बहते हैं। हमारा इरिगेशन सिस्टम इन रिवर्स पर डिपेंड करता है। स्नो प्लांट्स के लिए हार्मफुल भी हो सकती है। इसके वजन से दरख्तों के ब्रांचेस टूट जाती हैं, नए पौधे मर सकते हैं। डीप स्नो की वजह से प्लांट की ग्रोथ स्टंटेड हो जाती है। हेल, सम ऑफ द ड्रॉप्स ऑफ रेन सॉलिडिफाइड ड्यू टू वेरी लो टेम्परेचर बिलो 0 degree centigrade। दे फॉर्म हेल स्टोन्स, दे फॉल ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, दे आर नॉट बेनिफिशियल फॉर द प्लांट्स, दे डिस्ट्रॉय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, दे डिस्ट्रॉय सीडलिंग्स ऑफ प्लांट्स। कुछ बारिश के कतरे बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर की वजह से सॉलिडिफाइड हो जाते हैं और हेल स्टोन्स यानी ओले बना देते हैं। ये ज़मीन पर गिरते हैं, ये प्लांट्स के लिए नुकसानदेह होते हैं,
ये प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इसी तरह से ये सीडलिंग्स को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ड्यू वाटर वेपर्स ऑफ एयर कंडेंस व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद कोल्ड सरफेस, द मॉइस्चर कंडेंसेस ऑन द सरफेस इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, दीज ड्रॉपलेट्स आर कॉल्ड ड्यू। ड्यू हैज़ लिटिल इफेक्ट ऑन मोस्ट ऑफ वेजिटेशन बट इट हैज़ ग्रेट इफेक्ट इन डेजर्ट, देर इज कूल नाइट इन डेजर्ट, इट कॉजेज हैवी ड्यू फॉर्मेशन, दिस ड्यू इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट लाइफ। हवा में मौजूद वाटर वेपर्स जब किसी कोल्ड सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं तब ये कंडेंस हो जाते हैं, कंडेंसेशन के बाद ये सरफेस पर स्मॉल ड्रॉपलेट बन जाते हैं, इन ड्रॉपलेट्स को ड्यू कहते हैं। बहुत सी वेजिटेशन पर ड्यू का बहुत कम असर है लेकिन डेजर्ट्स में इसका नुमाया असर है। डेजर्ट की रात ठंडी होती है, इससे हैवी ड्यू फॉर्मेशन होती है, ये ड्यू प्लांट लाइफ के लिए बहुत अहम है। डियर स्टूडेंट्स, हियर वी कैन सी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, वाटर इज चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रेसिपिटेशन, रेन इज अ मेजर सोर्स ऑफ सॉइल मॉइस्चर फॉर द प्लांट्स, रेन इंक्रीजेज द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, दस इट रिड्यूसेज द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इन प्लांट्स, इट अफेक्ट्स मैनी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द प्लांट, द अमाउंट ऑफ रेन डिटरमिन्स द डिफरेंट वेजिटेशन जोन्स, द डेजर्ट ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट आर फॉर्म्ड ड्यू टू डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेन, स्नो इज इम्पॉर्टेंट फॉर ड्राइविंग रिवर्स, स्नो में काज आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन एंड प्लांट सेल्स, इट किल्स द प्लांट, हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयज द स्टैंडिंग क्रॉप्स, ड्यू हैज ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर डेजर्ट प्लांट्स, बारिश प्लांट्स के लिए सॉइल मॉइस्चर का अहम सोर्स है, बारिश हवा की नमी को इंक्रीज करती है, इससे प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है, ये प्लांट्स के बहुत से फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को अफेक्ट करता है, बारिश की मकदार से मुख्तलिफ वेजिटेशन जोन का पता चलता है, बारिश की मुख्तलिफ मकदार की वजह से डेजर्ट ग्रासलैंड और फॉरेस्ट बनते हैं, दरियाओं के बहाव के लिए स्नो बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्नो की वजह से प्लांट सेल्स में आइस क्रिस्टल बनती हैं, ये प्लांट्स को किल कर देती हैं, हेल स्टॉर्म खड़ी फसलों को तबाह कर देता है। डेजर्ट प्लांट्स के लिए ड्यू की ज़्यादा अहमियत है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन इन रिलेशन टू मॉइस्चर, प्लांट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ मॉइस्चर अवेलेबल टू दैम, प्लांट्स आर डिवाइडेड इन टू फोर ग्रुप्स इन रिलेशन टू द मॉइस्चर, दीज ग्रुप्स आर फर्स्ट इज हाइड्रोफाइट्स, सेकेंड इज एम्फीबायोफाइट्स, थर्ड इज मीजोफाइट्स एंड फोर्थ इज ज़ीरोफाइट्स। पानी की दस्तयाबी के मुताबिक प्लांट्स फितरती तौर पर डिस्ट्रीब्यूट हैं। मॉइस्चर के लिहाज से प्लांट्स के चार ग्रुप्स हैं, नंबर वन हाइड्रोफाइट्स, नंबर टू एम्फीबायोफाइट्स, नंबर थ्री मीजोफाइट्स और नंबर चार ज़ीरोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स आर द प्लांट्स विच ग्रो इन वाटर रिजर्वायर लाइक पॉन्ड्स, लेक्स, स्ट्रीम्स और रिवर्स, दिस प्लांट लिव इन हैबिट विद अबंडेंस ऑफ वाटर, दे मे बी सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स, फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, फिक्स फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो कि वाटर रिजर्वायर जैसे कि पॉन्ड्स, लेक्स, स्ट्रीम्स या रिवर्स में पाए जाते हैं, ये प्लांट्स बहुत ज़्यादा पानी वाली जगह पर पाए जाते हैं। हाइड्रोफाइट्स
तीन तरह के होते हैं, नंबर वन सबमर्ज हेट्रोफाइट्स, नंबर टू फ्री फ्लोटिंग हेट्रोफाइट्स एंड नंबर थ्री फिक्स्ड फ्लोटिंग हेट्रोफाइट्स। सबमर्ज हेट्रोफाइट्स, दीज प्लांट्स लिव इन हैबिट्स विद अबंडेंस ऑफ वाटर, दे मे बी रूटलेस, देयर स्टेम इज सॉफ्ट एंड टेंडर, क्यूटिकल इज एब्सेंट इन देम, वास्कुलर टिश्यूज आर पुअरली डिवेल्प, मेसोफिल ऑफ लीव इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी, दे हैव स्पेशल टाइप्स ऑफ स्टोमेटा कॉल्ड हाइडाथोर्स, देयर एग्जाम्पल इज हेड्रिला। सबमर्ज हेट्रोफाइट्स बहुत ज़्यादा पानी वाली जगह पर पाए जाते हैं, आमतौर पर इनकी रूट्स नहीं होती, इनका स्टेम सॉफ्ट होता है, इनमें क्यूटिकल नहीं होती, वास्कुलर टिश्यूज पुअरली डिवेल्प्ड हैं, लीव्स की मेसोफिल स्पॉन्जी और पैलिसेड में डिफरेंशिएटेड नहीं होती, इनमें स्पेशल टाइप्स के स्टोमेटा हाइडाथोर्स पाए जाते हैं, इनकी मिसाल हेड्रिला है। डियर स्टूडेंट्स, हियर वी कैन सी हेड्रिला विच इज अ सबमर्ज हाइड्रोफाइट, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, दे आर नॉट एंकर्ड इन द सॉयल, रूट्स आर एब्सेंट इन देम, हाइडाथोर्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन डार्सल सरफेस, एग्जाम्पल्स आर वुल्फिया, पिस्टिया एटसेट्रा। फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स ऐसे हाइड्रोफाइट्स हैं जो कि ज़मीन के साथ एंकर्ड नहीं होते, इनमें रूट्स एब्सेंट होती हैं, हाइडाथोर्स इनके लीव्स की सिर्फ डार्सल सरफेस पर पाए जाते हैं, इनकी एग्जाम्पल्स में उल्फिया, पिस्टिया वगैरह हैं। फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट्स, दे आर एंकर्ड इन द सॉयल एंड देयर लीव्स आर फ्री फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, दे अकर इन शैलो वाटर, दे हैव वेल डिवेल्प्ड रूट्स, देयर स्टेम इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ राइजोम, देयर एग्जाम्पल इज मार्सीलिया। फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स ऐसे हेट्रोफाइट्स हैं जो कि सॉइल के साथ एंकर्ड होते हैं, लेकिन इनके लीव्स पानी की सरफेस पर फ्री फ्लोट करते हैं, ये कम गहराई वाले पानी में पाए जाते हैं, इनमें वेल डिवेल्प्ड रूट्स पाई जाती हैं, इनका स्टेम राइजोम की सूरत में पाया जाता है, इनकी एग्जाम्पल में मार्सीलिया है। एम्फीबायोफाइट्स, द मॉइस्चर लविंग प्लांट्स आर एम्फीबायोफाइट्स, दे ग्रो ऑन वेरी मॉइस्ट एंड स्वैम्पी प्लेसेस, दीज प्लेसेस आर प्रेजेंट ऑन द साइड्स ऑफ पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स, देयर रूट्स एंड पार्ट्स ऑफ स्टेम आर इम्बेडेड इन द मड, मोस्ट ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक आर इंटरमीडिएट बिटवीन हाइड्रोफाइट्स एंड मेसोफाइट्स, दे हैव वेल डिवेल्प मैकेनिकल एंड कंडक्टिंग टिश्यूज, देयर एंडोडर्मिस इज थिक वॉल्ड, दे हैव सिस्टम ऑफ एयर स्पेसिस इन देयर बॉडी, देयर एग्जाम्पल इज सजिटेरिया। एम्फीबायोफाइट्स मॉइस्चर लविंग प्लांट्स हैं, ये मॉइस्ट और मडी प्लेसेस पर पाए जाते हैं, इस तरह की जगह पॉन्ड्स, लेक्स और रिवर्स के साइड्स पर पाए जाती हैं, इनकी रूट्स और स्टेम का कुछ हिस्सा मड में एम्बेडेड होता है, यानी मड में गारे में धंसा हुआ होता है। ज़्यादातर इनकी खसूसियात हाइड्रोफाइट्स और मेसोफाइट्स के दरमियान पाई जाती हैं, इनमें वेल डिवेल्प मैकेनिकल और कंडक्टिंग टिश्यूज पाए जाते हैं, यानी कि पैरेन्केमा, कोलेन्केमा और इसी तरीके से ज़ाइलम वगैरह पाए जाते हैं। इनकी एंडोडर्मिस थिक वॉल्ड होती है, इनकी बॉडी में एयर स्पेसिस का सिस्टम पाया जाता है, इनकी एग्जाम्पल में सेजिटेरिया है। मेसोफाइट्स, द लैंड प्लांट्स विच ग्रो इन प्लेसेस विच आर नाइदर ड्राई नॉर वेट आर कॉल्ड मेसोफाइट्स, दे आर इंटरमीडिएट बिटवीन
हाइड्रोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स, मैनी ऑफ द कल्टिवेटेड ऑर्नामेंटल एंड एवरग्रीन प्लांट्स बिलोंग टू दिस ग्रुप. दे हैव वेल डिवेल्प्ड टेप रूट्स एंड एडवेंटिशियस रूट्स. देयर स्टेम आर इरेक्ट. देयर लीव्स आर लार्ज विद वैक्सी कोटिंग. स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीव्स. लीव्स आर डार्क इन कलर. दे रेडियली विल्ट इवन इन स्लाइट वाटर डेफिशिएंसी. मेसोफाइट्स ऐसे लैंड प्लांट्स हैं जो कि ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं जो कि ना ही वेटू और ना ही ड्राई. इनकी खसूसियात हाइड्रोफाइट्स और जीरोफाइट्स के दरमियान हैं. बहुत सी फसलें, ऑर्नामेंटल प्लांट्स और एवरग्रीन प्लांट्स मेसोफाइट्स से ताल्लुक़ रखते हैं. इनमें वेल डिवेल्प टेप रूट्स और एडवेंटिशियस रूट्स पाई जाती हैं. इनमें स्टेम ऊपर की जानिब सीधा होता है. इनके लीव्स बड़े होते हैं और इन पर वैक्स की कोटिंग होती है. स्टोमेटा लीव्स के लोअर एपिडर्मिस पर पाए जाते हैं. लीव्स का कलर डार्क ग्रीन होता है. ये थोड़ी सी पानी की कमी पर मुरझा जाते हैं. ज़ीरोफाइट्स, द डेजर्ट प्लांट्स आर कॉल्ड ज़ीरोफाइट्स. दे फेस द एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ वाटर. दे हैव फॉलोइंग एडाप्टेशन टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन. मैनी ज़ीरोफाइट्स पोजेस स्मॉल थिक लीव्स. इट रिड्यूसेस द सरफेस ऑफ लीव्स. Thus, it reduces the loss of water by transpiration. They have thick, waxy and leathery cuticle. Their stomata are on the lower surface of leaves in depressions. Some plants, like cacti, shed their leaves during dry seasons. Therefore, the transpiration is stopped completely. They have stem as their photosynthetic organ. Their stems store water in the rainy season and use it in dry season. Most of their body is composed of water storing cells. Such plants are called succulents. Desert plants xerophytes kehlate hain. Inhein pani ki shadeed kami ka samna hota hai. In plants ne transpiration rate ko kam karne ke liye बहुत सी अडाप्टेशंस की हैं. बहुत से ज़ीरोफाइट्स में स्मॉल और थिक लीव्स पाए जाते हैं. ज़ीरोफाइट्स ने लीव की सरफेस को रिड्यूस किया है जिससे ट्रांसपिरेशन की वजह से पानी का लॉस कम हुआ है. इनमें थिक, वैक्सी और लेदरी क्यूटिकल पाई जाती है. इनमें स्टोमेटा लोअर एपिडर्मस पर डिप्रेशंस में पाए जाते हैं. कुछ प्लांट्स जैसा कि कैक्टाई ड्राई सीजन में अपने पत्ते गिरा देते हैं. इससे ट्रांसपिरेशन मुकम्मल तौर पर स्टॉप हो जाता है. इनमें स्टेम फोटोसिंथेटिक होता है. इनका स्टेम रेनी सीजन में वाटर स्टोर करता है और ये वाटर ड्राई सीजन में यूज होता है. इनकी बॉडी ज़्यादातर वाटर स्टोरिंग सेल्स पर मुश्तमिल होती है. ऐसे प्लांट्स को सक्कुलेंट्स कहते हैं. डियर स्टूडेंट्स, हियर वी कैन सी सम ज़ीरोफाइट लाइक कैक्टाई एंड आवर टुडे लेक्चर इज एंडेड हियर.